अगला चैप्टर देखो, पहला चैप्टर पढ़ लिया इज एम और आर, लगाने आ गया होगा अच्छे से, दिक्कत नहीं है। हाँ वाला बात आता है तो किसका आ जाता है, लेकिन टेंस नहीं आना चाहिए, टेंस नहीं आना चाहिए, मतलब वर्ब नहीं आना चाहिए, वर्ब को टेंस बोलते हैं। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन में हिंदी में क्या आ गया वर्ब, तो समझ जाना वो टेंस में बनेगा, किस में बनेगा, टेंस क्या हुआ तुमको पते है ना, ठीक है ना। तो बच्चा को क्या लगता रहता है, बच्चा जो क्वेश्चन इजम आर से बनने वाला है उसको भी लोग किस में बनाता है, अगर हाँ देखो है वाला क्वेश्चन टेंस में किससे बनता है पता है, बी वन बी फाइव से। देखो है वाला क्वेश्चन दो जगह बनेगा, इजम आर से ही बनेगा और किस में बनेगा, बी वन बी फाइव से बनेगा, लेकिन बी वन बी फाइव से बनेगा तो भार ना हो गया, बी मतलब क्या, तो भर्व आ गया था, बता भर्व आ गया था किस में बनेगा, अब भर्व नहीं आया था किस में बनेगा, देख लो एग्जांपल, जैसे बोले कि मैं अच्छा हूं, कॉपी नहीं पलटो, देखो पहले क्या नाम है, ऋषि को मैं अच्छा हूं, हाँ तो क्या होगा, आई एम गुड, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इधर अच्छा बताओ, ये इज मार वाला है कि टेंस वाला है, इज मार वाला ना, और टेंस वाला देखो, मैं अच्छा की जगह कर दो मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तो बताओ आई एम प्ले बनेगा, नहीं आई प्ले बनेगा, तो बताओ दोनों को बनाने का तरीका अलग है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, नहीं पढ़े रहते हैं ना, हमसे भी गलती होता है, हम भी सोचते थे कि जब ये देखते थे हा वाला, हाँ सीधे एम से बना दो, मैं खेलता हूं आई एम प्ले, और मैं अच्छा हूं आई एम गुड, इसमें एम लगाए तो सही है, इसमें एम लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये सारा खेला वेला किसका, टेंस का, टेंस का ना। टेंस में क्या होता है कि बी वन बी फाइव के साथ इजमार दोनों कट्टर है, देखो ये दोनों कट्टर है, ई जब मारा आएगा तो बी वन बी फाइव नहीं आएगा, बी वन बी फाइव आएगा तो, हाँ समझा क्या सिखा, चला है एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा है ग्रामर में, जैसे लिख देगा आई एम प्ले, तो देख के बता रहा गलती है, प्ले बी वन है, बी वन बी फाइव के साथ ई जमार होता है, या ई जमार के साथ बी वन बी फाइव लगा देगा तो भी गलती, समझ में आ रहा ना, तो दोनों अलग अलग चीज है। तो अभी हम कौन सा पढ़ा रहे हैं, फिर कौन पढ़ाएंगे, नहीं हो जाएगा, ट्रांसलेशन आठ को पूछेगा तो कुछ पूछ सकता है, इजमार से पूछे या टेन से पूछे या बी टू से पूछे, कुछ पूछे सब पढ़ लेंगे, हो जाएगा, बीस बाईस को चैप्टर है, पांच सात दिन में खींचा जाएगा तुम चाहेंगे तो, समझ में आ गया ना, तभी इसको छूचा नहीं करेंगे, इसको छूचा किए है ना, मैं अच्छा हूं आई एम गुड, वह अच्छा है ही इज गुड, तुम अच्छे हो यू आर गुड, कह रहे इजमार पे, इजमार कब बदलता है, जब सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट आई है तो कौन आएगा, इज सब्जेक्ट यू है तो क्या होगा, सब्जेक्ट ही है तो क्या होगा, सब्जेक्ट अगर वन है, सब्जेक्ट मैनी है ना, हो जाएगा एक है तो इज, एक से ज्यादा है तो, और आई है तो, ओके जो बता चुके हैं ठीक है, इसमें बड़ा चरण पूरा बन जाएगा। अच्छा इज मार देखो, जैसे टेंस में भी होता है ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो हेल्पिंग वर्ब में भी होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब जैसे ये इज मार क्या बोले वर्ब है, बोले सुना इजमार भी तुमको क्या है, अभर में कौन वर्ब बता दो, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब बता, प्रेजेंट वाला कि पास्ट वाला है, ये प्रेजेंट वाला, कैसे समझे कि इजमार प्रेजेंट का होता है सर, हिंदी में हो जाता है इसका मतलब, प्रेजेंट का होना, अच्छा कर देंगे तो मैं अच्छा था, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, आई वाज गुड, अच्छा वाज भी हो सकता है, आई वाज इसकी जगह पे आ सकता है ना, वेयर वेयर कब होगा, हाँ तुम अच्छे हो कि थे, तो क्या होगा, आई वेयर यू वेयर, बताओ यहाँ यहाँ वाज है, यहाँ क्या है वेयर, बस दो गो था, इसमें तीन गो था, प्रेजेंट में क्या होता इज एम आर, पास्ट में क्या है दो गो, वाज और, अब तुमसे पूछेंगे वाज वेयर क्या है, अच्छा बताओ टेंस का बात हो रहा है, बिना टेंस का, अभी बिना टेंस में, हाँ भर आएगा, मैं खेलता था होगा, देखो मैं अच्छा था हुआ, बताओ मैं खेलता था का, मैं खेलता था का, जिसको टेंस आता तो बुझ रहा होगा, पूरा बात जा रहा होगा, जिसको टेंस नहीं आता वो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा होगा, लेकिन जिसको टेंस समझ में आ गया होगा पूरा बात जा रहा होगा, मैं खेलता था, डिड 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 करा है, तो डिड निगेटिव है ना, क्वेश्चन में ना, डिड भी तो हेल्पिंग वर्ब है,
तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें नहीं रहता है पहले से। मैं खेलता था तो बता आई वाज प्ले होगा, लेकिन हम जब नवा दसवां में थे तो हम सोचते थे आई वाज प्ले होगा, सब सोचता है। तुम देखना को बच्चा से पूछेगा मैं खेलता था जा, क्योंकि उसको पहला दूसरा चैप्टर बनाया रहता है इधर वाज वेयर, उसके बाद तो बनाता नहीं है तो उसको याद रहता है यहाँ वाज वेयर रहता था के लिए, यहाँ था है तो क्या यहाँ वहां वाज होगा, नहीं होगा। क्या पता है कि इसका दूसरा होता है आई प्ले, देखो देखो ई भी दूसरा है, ई भी कैमा है, तो एक साथ दो को दूसरा आएगा, ई बात नहीं पता रहता, बस छोटा सा बात है ये नहीं पता रहता है। पढ़ेगा कहीं कॉपी किताब खोलेगा तब ना पता चलेगा, अभी पता चल गया ना कि ई भी दूसरा है, ई भी क्या है, ये खुद दूसरा है तो दिक्कत नहीं है, ये भर ये दूसरा नहीं था, यहाँ पे गुड होता है ऐसे ऐसे, यहां थाने गलती है बता ना, यहां थाने क्या है तुमको, लेकिन वाज दूसरा होता है ना, जब भर का दूसरा नहीं रहेगा तो वाज आएगा कि ना आएगा, भर का दूसरा खुद होता है तो आ जाएगा, वही बताना चाह रहे थे, यही खेला बुला है। मतलब चैप्टर में तुम जितना क्वेश्चन देखेगा ना, देखना भर्व नहीं लिखल होगा, तो क्या क्या लिखल पता है, देखो पहला चैप्टर में एक्सरसाइज वन है ना, एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज तीन, तीन को चैप्टर में शुरू के तीन को चैप्टर में एक्सरसाइज में देखना, इसमें भर्व नहीं होगा, भर्व नहीं होगा। तो सर क्या होगा, भर्व नहीं होगा तो क्या होगा, देखो क्या क्या होगा, वो होगा तुमको नाउन होगा, वो तुमको एडजेक्टिव होगा, यही दो वो चीज हो गया, या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, नाउन मतलब नाम, एडजेक्टिव मतलब गुण, गुण गुण दो गो होता है, वो अच्छा सब गुण ना है, तो कैसा भी गुण रहे तुमको क्या मतलब है, पूछ तो रहा है तो अच्छा गुण है कि बुरा गुण है, जैसे चोर है तो चोर गुण है ना भाई उसका, तो अच्छा है कि बुरा है, ईमानदार है मतलब ईमानदार है कोई अच्छा गुण है, और कोई बेईमान है बुरा गुण है, लेकिन है तो गुण है ना, तो गुण है तो वो क्या होता है ग्रामर में, गुण को ग्रामर एडजेक्टिव बोलता है, नाम को ग्रामर नाउन बोलता है, और काम को ग्रामर वर्ब बोलता है। देखो वो जो शुरू में है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये सब कुछ नहीं है, यही है नाम काम गुण सब है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो तीन को तो समझ में आ गया, नाम वाला काम वाला गुण वाला, लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर बना रहे हैं उसमें सिर्फ नाम और गुण टकराएगा, तुम देखना इसके अलावा तुम ये नहीं टकराएगा, तो ये कब टकराएगा, जब उसमें चैप्टर खोलेगा टेंस, तब देखना यही टकराएगा खाली, तुमको नहीं टकराएगा, काम टकराएगा मतलब क्या टकरा रहा है, भर्म टकराएगा तो कहां बनेगा, तुम बनाओ इसको कौन चैप्टर में, ये छोड़ो कैसे बनेगा बात की बात है, देखो और तुमको ये पता चल गया कि सामान कहां मिलेगा तो तुम खरीद के नहीं ले आएगा, अब तुमको पता नहीं चला सामान पता चल गया सामान क्या है कहां मिलेगा पता नहीं है, कैसे खोजेगा तुम, तुम सब दुकान जाके पूछो वर्ब नहीं पूछते रहो, अब पता है तुमको ये वर्ब है ये क्या है, अरे रियल में बता मार्कर वर्ब है कि नाउन है, मार्कर नाम है ना, लिखने वाला एक सामान है जिसका नाम क्या है मार्कर, जिसे बोर्ड पर लिखा जाता है तो क्या नाउन है ना, तो बता नाउन है तो बता ये मार्कर वाला बात ए, ए, इस दोनों चैप्टर बनेगा कि टेंस बनाए बनेगा, इसमें बनेगा ना नाउन वाला भैया, तो किस किस में कौन कौन था कौन कौन हेल्पिंग वर्ब पे बनेगा, इजमार से और प्रेजेंट में है तो पास्ट में है तो फ्यूचर में है तो या तो सेल बी या तो विल बी, देखो ये जो तीन चैप्टर लिखे है ना, पहला चैप्टर इजमार, दूसरा चैप्टर वाज वेयर, और तीसरा चैप्टर सेल बी विल बी, ठीक है ना, सेल बी विल बी का क्या कॉन्सेप्ट है कि आई के साथ सेल बी और वी के साथ सेल बी, बस हो गया, अब बाकी सब के साथ हो गया, तीन चैप्टर तुम गर्दा उड़ा देगा ट्रांसलेशन का, आराम से बनेगा, नहीं बनेगा मैं अच्छा हूं आई एम गुड, इसमें बनेगा मैं इसमें देखना मैं अच्छा था आई वाज गुड, मैं अच्छा रहूंगा आई शैल बी गुड, या मैं अच्छा हो जाऊंगा आई शैल बी गुड, समझ में आ गया, शुरू का तीन चैप्टर नहीं फंसेगा, कौन कौन इज अमर वाज वेयर और शैल बी विल बी, मैं अच्छा हूं आई एम गुड, बोला करो थोड़ा सा, मैं अच्छा था आई वाज गुड, मैं अच्छा हो जाऊंगा शैल बी गुड, तो आई के साथ शैल बी लगेगा कि विल बी लगेगा, अब बाकी सबके साथ अब बोलो वह अच्छा हो जाएगा, तो बताओ ही यही है, यही है नहीं है तो कौन में है, सब किसमें है, सब इसमें ही किसमें है, सी एट सब किसमें आ जाएगा, बस ई दोनों दुनिया को छोड़ करके, दुख बदमाश है ना, कौन कौन
आई आर वी, मैं और हम लोग, मैं और हम लोग, समझा रहे ना क्या कहना चाह रहे हम? बदमाश है ना, कौन कौन? मैं, ठीक है ना, मतलब ये तो ये है बात, साथ में सब वही बात, सबको लपेट लेता है नहीं, ये तो खुद देखो, खुद तो डूबता है, साथ में सबको डुबाता है ना, सही कह रहे कि नहीं? नहीं, चलो ठीक है, देखो नहीं सही कह रहे हैं, आ जाओ, चलिए समझा रहा है, बिलीव समझा रहा है, इजमार समझा रहा है, वाजिबर समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, कोई पूछेगा इजमार, देखो भर बोले थे, दो भर होता है, कौन कौन? एगो मेन भर, एगो हेल्पिंग भर, याद करो थोड़ा, तो बताओ इजमार मेन भर में कि हेल्पिंग भर में? हेल्पिंग भर तब आता है जब मेन भर नहीं आता है, तब जो पहला चैप्टर में भर्व है, मेन भर मतलब कौन? वही बी वन बी टू सब बी फाइव तक, खेलना उठना बैठना, तो मेन भर्व है नहीं है तो क्या आएगा तुमको? तो पहला चैप्टर में भी इजमार हेल्पिंग वर्ब आता है, दूसरा चैप्टर में भी वाज वी आर हेल्पिंग वर्ब आता है, तीसरा चैप्टर में शैल बी विल बी हेल्पिंग वर्ब आएगा, चौथा चैप्टर में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तुमको, हैज हैव वाला होगा, हैज हैव हैड भी तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो हैव वाला देखो, अच्छा है का क्या को इंग्लिश से थोड़ा सा देखो आराम से, देखो इजमार है का इंग्लिश इजमार है, हा वाला का इंग्लिश मैं अच्छा हूं, हा रहा है कि नहीं? देखो मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, हा आया कि नहीं? तो हा का इंग्लिश है जा भी होगा, बच्चा समझता है कि लास्ट में हा दिखे तो इजमार से बना लो, नहीं नहीं नहीं, देखो भाई क्या है, गुण है तो इजमार से बना देते हैं, और तुम्हारे पास कोई सम्मान सम्मान को तुम दिखा रहा है, मेरे पास मार्कर है, ये मेरा गुण है कि मेरे पास मार्कर है, बता रहे हैं तुम किसी चीज से संबंध बता रहा है ना, तो किसी संबंध बता रहा, रिलेशन बता रहा है, तो कह रहा है जी हैव से बताइए, समझा क्या कहना चाहे हम? किस बताएंगे? तो हैज हैव का मतलब ही होता है, इजमार का मतलब ही होता है, अच्छा अब मैं खेलता हूं हो आया ना, इसका बनेगा बी वन बी फाइव से, मतलब उसका मतलब है, हम लोगों से एक को याद है कौन? इजमार, उसके अलावा भी और दुनिया है, पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा, पढ़े नहीं करते पता चलेगा, मतलब लोग समझता था तो ठीक है इंग्लिश सिर्फ वाज वेयर होता, नहीं नहीं, था थे ठीक का इंग्लिश वाज वेयर होता है, हैड होता है, कुड होता है, उसके बाद भी टू होता है, हैड के साथ भीतरी होता है, ये होता है, मतलब और निकालेगा तो होगा, सब किसका इंग्लिश था थे ठीक, लेकिन सबका सेंस अलग अलग है ना, मैं खेलता था आई प्लेड, लेकिन मैं अच्छा था आई वाज गुड, मैं खेल सकता था आई कुड गुड, सॉरी आई कुड प्ले, कुड लगा दिए, बी टू लगा दिए, वाज वेयर लगा दिए, सब में क्या आ रहा है लास्ट में? थाते थी, तो इसका मतलब सर सिर्फ थाते थी देख के काम नहीं चलेगा, देखेंगे पता चल जाएगा, मैं खेल सकता था तो सकता था में कुड लगाते हैं, सकता था में, लेकिन मैं खेलता था में भी टू, मैं अच्छा था में वाज वेयर है कि नहीं? तीनों में लास्ट में था है कि नहीं? तो था का इंग्लिश वाजे होता है, अच्छा पता चले कि अलग अलग होता है, बदलते रहता है, ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसका? वाजवेयर का ना, कौन चैप्टर है भाई? वाज या वेयर, अब इसमें क्वेश्चन सा बन जाएगा, दिखाते हैं, तो बोलो मैं अच्छा था, तुम अच्छे थे, यू वेयर, यू आर, यू वेयर, दो तीन बार बोलेगा आ जाता है, रास्ते पर अभी सोचेगा आ जाएगा तुमको, वो अच्छा, वो अच्छी थी, सी वाज गुड, वो अच्छा था, ही वाज गुड, मेरा भाई चोर था, मैं खुश था, यही सब क्वेश्चन सब होगा, देखना पलट करके नहीं मिल जाएगा, यही से क्या होगा, कुछ छापने वाला छाप लो पहले, देखा तरह उस क्वेश्चन उसमें घिंच देते हैं, देखो क्या क्वेश्चन है, तुम और मैं अच्छे थे, क्या बनेगा? देखो ना, देखो तुम क्या होगा भाई, बोलो तो जरा, यू एंड ना, एंड मैं है ना, मी होगा क्या आया होगा बताओ, बोलो सही, यही फंस रहा है तुम क्या फंस रहा है, बता पहले, मी होगा कि आया होगा बताना है, आगे ठीक है ना, वाज होगा, कोई है, है रहे थे रहे, क्या दिक्कत है तो यहाँ आर कर देना,
ये ना होगा, इसमें आप क्या दिखाएगा, तुम भी अब सोचेगा। अच्छा अब ऐसा मी होगा कि आई होगा ना, देखो क्वेश्चन पूछता है वहां से, देखो क्या है कॉन्सेप्ट। दो को चार्ट समझना पड़ेगा, एक वो सब्जेक्ट का वैसे से काम चलता है, वैसे से इंग्लिश चलता है, कॉन्सेप्ट चलता है। सर कॉन्सेप्ट क्या है वो बताइए, कॉन्सेप्ट बताएंगे तुम सीधे पकड़ लेगा, हंड्रेड आंसर सही आंसर पकड़ लेगा। एग्जाम सोचेगा वैसे होना चाहिए आए, हटा मी लगा देते हैं वैसे लगा। अच्छा देखो क्या, देखो देखो कुछ है जो सब्जेक्ट है और कुछ है क्या है, अब बताओ जो वर्ब के पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब के बाद जो आएगा सो वही चीज, अगर वर्ब के पहले आ जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो जैसे राम, राम बीट्स राम, बताओ दोबारा राम है ना, राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है भाई, राम ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है देखो, इसका मतलब कि राम दो चीज है सर जी, सब्जेक्ट। लेकिन अगर तुमको यहाँ पूछेंगे बताओ राम सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, एगो बताओ है तो दोनों, एगो बताओ हाँ, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तुम, ओ तुमने कहने से सब्जेक्ट हो जाएगा, कौन क्वेश्चन पता, कौन डिसाइड करेगा, एक पापा के है गार्जियन डिसाइड करेगा, किसका दो को बेटा एक आदमी को इनवाइट हुआ है, कौन डिसाइड करेगा, गार्जियन पापा के जीते खाला नहीं, मतलब एक आदमी के निमंत्रण है दो को बेटा है, कौन कौन, राम का दो को बेटा सब्जेक्ट और एक आदमी को निमंत्रण, शाम में 7 बजे पनीर चिल्ली रस का रोटी बस या चावल चलेगा, रात का रोटी बस या चावल का भोज है शाम में, कौन डिसाइड करेगा, गार्जियन ना, गार्जियन ना, तो राम का गार्जियन कौन पता है, वर्ब, गार्जियन कौन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का गार्जियन यहाँ पे कौन हो गया, वर्ब, कौन हो गया, अब वर्ब डिसाइड करेगा कि बरका कि छटका, बरका बेटा जाएगा कि छटका, बरका बेटा कौन है सब्जेक्ट, छोटका बेटा कौन है जैक, ये डिसाइड करने के लिए बीच में आ जाता है भर्ब, देखो यहाँ भर्ब बीच में आया है, अब भर्ब क्या कहता है, क्या हमरे से पहले आया तो बरका हो गया माना सब्जेक्ट, अब वही चीज अगर हमरे बाद आया तो छोटका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब डिसाइड भर्ब बताता है, बीच में भर्ब आकर के बताता है कि हमरे पहले आज से जो भी आएगा उस सबको तुमको आ देना सब्जेक्ट, हमरे बाद जो भी आएगा उस सबको तुम क्या कह देना, बताओ अगर आ यहां आ गया तो क्या हो गया सब्जेक्ट, यही आ अगर यहां आ गया तो पॉइंट समझा ना, देखने से पता चलेगा कि अब राम देख के कोई बता सकता है कि सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, अभी बता सकता है कैसे बता देगा, लेकिन भर्ब रखने के बाद ना, जैसे भर्ब रख दिए बीच में, तभी बीच में रख दिए देखे राम पहले है सब्जेक्ट, देखे राम बाद में है, पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो जैसे इसमें देखो चार चार, जैसे तुमको आई सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, जितना भी प्रनाउन होता है ना वो सब्जेक्ट होता है, और वही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या उसका डबल रोल है, कैसे कैसे देखो, जैसे आई सब्जेक्ट में आता है लेकिन आई ऑब्जेक्ट में नहीं आता, ऑब्जेक्ट में मी बन जाता है, ये चीज वॉइस में बताएंगे ऐसे तुमको हम, आई क्या है, आई यहां वो बदल लेता है, नहीं बदलेगा, तो बताओ जैसे अभी हम यहां पढ़ा रहे हैं तो टीचर है, मान लो इधर टीचर है इधर क्या स्टूडेंट है, अब समझो अभी हम पढ़ा रहे थे क्या है, अब वहां बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम ही ना हो गए, मेरा अब मेरा पढ़ने वाला तरीका आ गया कि पढ़ाने वाला आ जाएगा वहां जाने के बाद, तुम ही अगर यहां आ जाएगा, मान लो तुम स्टूडेंट है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहां आ गया तो टीचर, अब फिर तुम वहां बैठ जाएगा तो, मतलब एक आदमी का डबल रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रूपरेखा चेंज हो जाएगा, हाथ में पढ़ा रहा है तो मार्कर, अब बैठ गया तो कलम, तो मार्कर से लिखेगा, समझा है ना, वही चीज यहां भी है, देखो आई का डबल रोल है, आई क्या हो सकता है, अब वही अगर मान लो कि आई अगर बैठ गया पढ़ने के लिए तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आई दोनों एक जैसा दिखेगा, यहां आई होगा यहां क्या होगा, देखो बताओ अगर यहां पर लिखना होगा तो इन दोनों में से तो यहां पर क्या लिखा सकता है, बताओ यहां पर लिखना होगा तो, अब बताओ यहां पर मी लिख दिए तो पकड़ लेगा ना, यहां पर आई लिख दिए तो पॉइंट समझ में आया, उसका डाउट था क्लियर हो गया, बताओ यहां पे वर्ब कौन है,
इज अमार वाचवर्ड वही ना है, वर्ब के पहले आएगा तो क्या होगा, तो वर्ब के पहले का ना बात हो रहा है, बताओ तो यू, देखो यू का दोनों तरफ सेम होता है, यू दोनों तरफ क्या होता है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पे यू एंड आई होगा कि यू एंड मी होगा, आम सोच करके सर मी होगा, जब सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में मी होता कि आई होता है, यही बात करना चाहिए, अब गलती लिखा है तो ही पकड़ लेगा। हाँ अच्छा, यही अगर मी अगर बाद में रहता तो बाद में, यहाँ पे बताओ यहाँ बाद में आई होगा कि मी होगा, वही बात तो है, क्या चीज सीखो, कोई दिक्कत नहीं, निकालो सुनते डाउट सब, तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत आसान है, बहुत बात है, इतना बात बताना पड़ा ना, उसका बात था, लेकिन बुक चिल्ला चिल्ला कहेगा कि हम आई सब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट मी होगा, बुक में नहीं लिखा है बात, बहुत बात नहीं लिखा है, इसके लिए बोले कि हम कॉन्सेप्ट देंगे तो तुमको मजा आएगा, तो कॉन्सेप्ट दे दे ना ऐसा ना, तो देखो आई सब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सेम है ना, और देखो आई हैव यू होता है वी, हाँ वी का, ये याद हो गया तो वॉइस खत्म, इसी चार्ट में वॉइस टिकल है, वॉइस में देखो वॉइस में का ज्यादा जरूरत पड़ता है, वॉइस में पहला चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक, क्योंकि क्या पता ना, देखो वॉइस में दो वॉइस होता है, आराम से सीखो, संडे है ना आज, मिसलेनियस क्लास, मतलब हर चैप्टर का बात से बताते हैं, वॉइस में दो, एगो एक्टिव वॉइस, एगो कौन वॉइस, एक्टिव में वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, पैसिव में वो वर्ब के बाद चल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, जा सोचो यहाँ पे वर्ब के पहले रहेगा तो आई रहेगा, अब पैसिव में क्या होता है, वर्ब के बाद जाता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हाँ एग्जाम क्वेश्चन रहता है, चार को ऑप्शन देख के समझ जाएगा, और किसी में नहीं बदला देखते समझ जाएगा गलती है, मतलब क्वेश्चन दिया है चार को ऑप्शन देता है ना, जब ये आई उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट होगा तो आई रह जाएगा कि मी हो जाएगा, तीन को ऑप्शन मी नहीं किया है तो तीन ऑप्शन गलती है कि गलती है, जो बच गया तो आंसर है कि आंसर है, देखो भाई शुभ ने किया आंसर बना लिए, भाई सब ऐसे पढ़ा देंगे तुमको हम कि बिना क्वेश्चन देखे तुम आंसर बता देगा, बिना क्वेश्चन देखे तुम बता देगा कि आंसर ये है, क्वेश्चन कुछ हो आंसर यही होगा, तुम सोचा ये कैसे हो जाएगा, सच में हो जाएगा, दिखा देंगे, पूछा वो क्वेश्चन एग्जाम का कि क्वेश्चन झांप लो तुम देख ली वाला आंसर होगा, क्योंकि हाँ क्या पता है ऑप्शन सब गलती पलती लिखा रहता है, मान लो लिखा है आई आर तो तुम क्वेश्चन देखेगा सर जी गलती ऐसा हो नहीं करता, आई के साथ आर होता है, इसके लिए क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन कुछ हो यहां पर लो कुछ हो क्वेश्चन नहीं गलती है, अगर तुमको लिखा है यू एंड सॉरी यू आर आई गलती है नहीं, आई होगा बाद में क्या होगा देखते नहीं पता चल जाएगा, ऐसा तो ऑप्शन से मिलेगा क्या बोले, और थोड़ा बहुत अगर तुमको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिल गया है तो क्वेश्चन देख के पकड़ लेगा तुम गलती है ये, लेकिन हर चैप्टर बात मिला रहेगा तब ना, देखो हर चैप्टर पूरा किसी को थोड़ी याद हो जाता है, लेकिन उसका बात सब याद आते रहता है तो क्वेश्चन सब किसी को थोड़ा पूरा याद, हमको भी थोड़ा पूरा याद हो जाएगा, चलो तुमको समझ आ गया क्या, हाँ पूरा कर देना, वी का क्या होता है तब बता, और होगा ना, हाँ दे का देम होता है, टी एच ई एम, और बोलो ही का हिज, सी का हर, हो गया छोगो है, हाँ इतना तुमको काम पड़ेगा, और है काम इतना ही पड़ेगा तुमको बताएगा याद रहेगा, अरे यही चीज अगर यहां आएगा तो मी रहेगा क्या हो जाएगा, ये अगर ये दसे में है यू का तो दिक्कत नहीं है, आस अगर यहां आएगा तो मी आएगा, देम अगर यहां आएगा तो दे अगर यहां आएगा तो मतलब सब डिसाइड करने वाला कौन है, पहले आया तो ये सब लिखना, बाद में आया तो ये सब लिखना, इसी के बदले में इसका मतलब मैं का इंग्लिश दो गुने हो गया, आई बी और मी भी, बस पहले आएगा तो आए बाद में आएगा तो ठीक है ना, बताओ आप नहीं बन जाएगा, मैं तैयार था, मैं का इंग्लिश था का इंग्लिश रेडी का इंग्लिश रेडी है टेलीविजन रेडी भी होता है, बुढ़वा सब आएगा तो कहेगा कि वो रेडी दीजिए ना रेडी, तो ना सुना के तैयार क्या जाना, तैयार छे कि रेडियो होता है रेडियो ना, दुकान पे आता है खरीदने के लिए रेडी खरीदेगा वो ठीक है ना, हाँ तो कहेंगे रेडी नहीं है मेरे पास, अभी रेडी हो क्या ही है, हम रेडी है दवा निकालिए ठीक है आ जाओ, मैं कलाकार था, एक याद है देखो
एंड समझो, हिंदी में एक लिखे या ना लिखे उसे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में ए और एन आएगा, ये रहे या ना रहे, इंग्लिश में ए या एन, लेकिन गिन सकते हैं तब, गिन सकते हैं, बताओ कलाकार को गिन सकता है, तो बताओ हिंदी में एक लिखल है तो ना लिखल है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बताओ आई वाज एन आर्टिस्ट, अच्छा सोचो ये एक नहीं लिखल है, अब बताओ वही होगा, होगा ना, हिंदी से मतलब नहीं है, मतलब किसे गिनने से, तुम आज से किसी भी चीज को गिन सकता है तो उसके पहले ए या एन लगा के चलना, छोड़ के नहीं चलना, बताओ तो बताओ लड़का का इंग्लिश क्या होगा, आपसे बताओ हमको, बॉय की ए बॉय, समझ में आ रहा ना, ये गलती है कि नहीं, हाँ गलती है, ये क्या है, कौन सही है, ग्रामर का था, गिन सकते हैं तो बिना ए के मत बोलिएगा, गिन सकते तो बिना ए का मत बोलिएगा, जिस चीज को तुम गिन सकता है ना, तो हिंदी में एक लिखो या एक लिखो देंगे तो ये वही बनेगा, नहीं यो लिखेंगे तो यो, सब कॉन्सेप्ट किसका है, गिनने वाला का ना, गिनने पर डिपेंड करता है, और होगा तो बताओ एप्पल सही है कि गलती है, एप्पल सही की गलती है, बताओ चैप्टर है, बताएंगे एक चैप्टर भी है, चैप्टर भी गलती है ना, क्या होगा, एन एप्पल देंगे एक चप्पल, नहीं होगा एन एप्पल, एन एप्पल होगा ना, एप्पल नहीं होता, जो लिखा रहता है गलती लिखा है, कहीं भी देखना नहीं लिखा होगा एप्पल, काय गिन सकते हैं ना, अच्छा जिसको नहीं गिन सकते जैसे पानी, गिन सकते हैं, पानी में एक लिखे या ना लिखे, एक पानी का इंग्लिश वाटर, पानी का इंग्लिश वाटर, ओ पानी में एक लिखल भी रहेगा तैयो ये नहीं लगाएंगे, सेब में नहीं लिखा लगा तैयो लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इनपुट करो इस पे तब आउटपुट होगा, तो यहां इनपुट करो एग्जाम हॉल में क्या होगा, इनपुट अच्छे से होगा आउटपुट भी अच्छे से होगा, सारा बात समझेगा चैप्टर अपने आप बनेगा, गर्दा उड़ेगा चैप्टर का, ठीक है, मैं नहीं, अच्छा जब ये नहीं वाला बात होता ना, देखो कोई भी चैप्टर में पहला चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक ट्रांसलेशन के, नहीं वाला बनाना हो मतलब निगेटिव बनाना हो, नहीं मतलब निगेटिव, तो कह रहा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लीजिए, किसके बाद, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगा दो, सब निगेटिव हो जाएगा, तो बताओ मैं तैयार था का क्या है, मैं नहीं तैयार था का क्या होगा, कहां पे नोट लगा, यहां पर, ककरो हेल्पिंग वर्ब कहां है, वाज है ना, आई वाज नॉट, अच्छा इजमा रहा था इजमान के बाद हो जाएगा, अच्छा सेल बी विल बी रहता तो नहीं, बीच में घुसी आ जाता है, सेल बी विल बी का क्या हो जाता है, सेल अभी के बीच में घुसी आ जाता है, मान लो पति पत्नी है, धिया पुता हो गया तो उसका धिया पुता उस साइड रहेगा कि बीच में घुस जाएगा, बाय देखो बीच में देखेगा, देखो ये सेल है चोपा, अभी होगा कनिया चोपी, जो धिया पुता आएगा छोटका चोपा, वो छोटका चोपा यहां आएगा कि बीच में, हाँ याद रखना कि जब नॉट आता है किसके बाद बोले लाने के लिए, तुम बता देखो कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, देखो हम बोले निगेटिव बनाने के लिए किसके बाद वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन है, सेल है कि बी है, बीओ है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, सेल बी में दो हेल्पिंग वर्ब है, सेल भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग, लेकिन पहला वाला के बाद लगाना कॉन्सेप्ट, मान लो ए को सब चार गो हेल्पिंग वर्ब है, ओ तो तुम चौथा के बाद लगाएगा, 75 गो रहा है पहला वाला के बाद, दो गो रहा है पहला वाला, तीन गो रहा है पहला, इसमें क्या गो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये किसके बाद लगाएगा, पाला वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, निगेटिव हो जाएगा, तो सेल्बी वाला में इसलिए बीच में बोलते लाने के लिए, तो बीच में बोले ठीक हो गया, अब बोले पाला वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना था कॉन्सेप्ट हो गया, तो ठीक बच्चा जल्दी घुसता है कॉन्सेप्ट हम घुसा देते हैं, और तुम जैसे समझो ठीक से समझो कॉन्सेप्ट, बात देखिए है कोनो बदल थोड़ी जाएगा, कॉन्सेप्ट है कि पाला वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन कॉन्सेप्ट को लिखा था किताब में, किताब लिखा था हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये किताब लिखने में रहेगा कि पाला वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद, देखते देखते समझ गया कि पाला वाला के बाद लगता है, उसको खुद से बनाना पड़ता है, ये सब चिल्ला चिल्ला के थोड़े किताब कहेगा, किताब नहीं कहता, किताब में बहुत बात नहीं जाता तो बताओ अच्छा ये हो गया ना, जब ये क्या वाला आएगा हेल्पिंग वर्ब को शुरू करो, ये सारा खेला वेला
जड़, सबका जड़ कौन है? हेल्पिंग वर्ब। सारा हेल्पिंग वर्ब को नचाओ, हिंदी नाचते रहेगा, नाचेगा। मैं अच्छा था, आई वाज गुड। आवाज को शुरू में कर दो, वाज आई गुड, क्या मैं अच्छा था। अब वही वाज को शुरू कर दो, उसके पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिख दो, वाई लिख दो, तो मैं क्यों अच्छा था, वाई वाज आई गुड, सारा है कि नहीं हेल्पिंग वर्ब का। और कर देगा वाई आई वाज गुड, देखो वाई शुरू में रहने दो, अब वाज को उठा के बाद में ले जाओ तो हो जाएगा मैं जो अच्छा था, ऐसा ना। जैसे बोलेंगे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है कुछ एग्जांपल लिखेंगे। अच्छा पहले क्या सिखा देते ना, एक बार एडवांस बनता है। जैसे मैं चाहता, जैसे तुम क्या चाहते हो, और तुम जो चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम जो चाहते हो, व्हाट यू वांट। दो भाग भाग जाना, दो भाग ये जाता है ना, सीधा आता था, दू भाग जाता है, टेंशन नहीं भाग जाता है, ठीक है। क्या मैं अच्छा था, क्या बोलेंगे, वाह जाए, इसका जो भी हो याद है, ठीक है, नहीं याद है बुक में देख के छाप देना। देखो मीनिंग ना बनाते बनाते याद हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाता है। वाज एब्सेंट हो गया, अब बताओ इसका बना दिए। हाँ एगो देखो, ये क्वेश्चन एगो ई था, एगो ई था, एगो ई था, एगो ई था, एगो एगो ई था। वाज द रिवर ड्राई। अरे एक चैप्टर ऐसा होगा जिसका इंग्लिश का हिंदी करना है लास्ट वाला, वो जरूर बनाना, बनाना सब है मस्ट, उसको छोड़ देगा। इसमें क्या रहा, हिंदी इंग्लिश का हिंदी तो करा। देखो जब ये पहले है तो क्या आ गया, क्या नदी सूखा था, इसका मतलब गया क्या था, इसका मतलब इसको लेके चले तो क्या नदी था, क्या नदी सूखा था, हो जाएगा इसका क्या नदी बना लेगा। अब चैप्टर सब लगा देगा ना, तो बन जाएगा ना, लग रहा तो तीसरा चैप्टर जाएगा सेल्फ विल वाला, एक दो को तो पहले रख रो, ठीक है ना, काफी दिखाओ पहले, हाँ चेक कराओ ना।